केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने की आकांक्षी जिला बोकारो में संचालित योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और राज्यपाल रमेश बैस ने रांची में चार्टर्ड अकाउंटेंट के 2 दिवसीय सम्मेलन का किया उद्घाटन, कहा झारखंड के पास आर्थिक रूप से सशक्त होने की क्षमता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। जर्मनी में वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। के तहत हो रही G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी के श्लॉस अल्माउ का दौरा करेंगे। उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, महिला पुरुष समानता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। ये सम्मेलन रूस यूक्रेन के बीच जारी संकट के साए में आयोजित हो रहा है। ऐसे में विश्व के सामने सप्लाई चेन के उठे खतरे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। On the question of Ukraine, we have asked for immediate cessation of hostilities right from the beginning of the onset of the conflict, and we have clearly said that the path to the resolution of the problem is through diplomacy and dialogue. India has taken a very proactive stance to ensure that the food security of the vulnerable countries in particular are addressed in a manner that their needs are addressed, but also at the same time the food security within the country, within India, is absolutely not at all impacted. विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयास में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य लोकतंत्रों को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। G7 summit has chosen 5 key priorities for the current year, and in broad term these are 1. energy transition, 2. economic recovery and transformation, 3. pandemic prevention and control, 4. sustainable investments and infrastructure, and 5. promotion of shared values of democracy. शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री कुछ G7 के सदस्य देशों और सम्मेलन में आमंत्रित देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री की पिछली जर्मनी यात्रा मई में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श के 6th संस्करण के लिए हुई थी। G7 में पीएम मोदी 2 अहम सत्रों को भी संबोधित करेंगे। Prime Minister is scheduled to participate in 2 sessions along with other partner countries of the G7 summit. One of them, the first one, relates to climate, energy and health, and the second session is on food security and gender equality. G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। After attending the G7 summit, Prime Minister will be travelling to United Arab Emirates on 28th of June to pay personal condolences on the passing away of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the former UAE President and Abu Dhabi ruler. This will be Prime Minister's first meeting at the same time with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan since his election as the new President of the UAE. UAE भारत के अहम रणनीतिक साझेदारों में से है। बीते फरवरी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सुधाकर दास की रिपोर्ट, DD न्यूज। देश में आपातकाल लागू होने के आज 47 वर्ष पूरे हो गए। 1975 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे इतिहास का काला अध्याय बताया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1975 में
आपातकाल लागू किए जाने को इतिहास का एक काला अध्याय कहा है। ट्वीट किया, 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने सत्ता मोह में रातों रात हर भारतीय के संवैधानिक अधिकारों को छीन आपातकाल थोपा और निर्दयता में विदेशी शासन को भी पीछे छोड़ दिया। इस तानाशाही मानसिकता के विरुद्ध लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के महायज्ञ में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी देशभक्तों को अध्याय है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। आज के दिन सभी भारतवासियों को लोकतंत्र की रक्षा के प्रति न केवल स्वयं को समर्पित करना चाहिए बल्कि संविधान और संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने का भी संकल्प लेना चाहिए। इधर झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को नियोजित और प्रणालीबद्ध तरीके से नष्ट करने की कार्रवाई को भुलाया नहीं जा सकता। राजधानी रांची में भाजपा की ओर से आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश उन महान नायकों को याद कर रहा है जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस मौके पर आपातकाल के दौरान पकड़े गए सेनानियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। आज इंदिरा जी तो चली गई है लेकिन उनके डीएनए के रूप में कांग्रेस आज और कांग्रेस जब भ्रष्टाचार के मामले में जब लड़ाई चली थी तो भ्रष्टाचार महंगाई बेरोजगारी के सवाल पर राइट टू रिकॉल के मामले पर आज कांग्रेस के लोग उसी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं जिन लोगों ने 1975 में लोकतंत्र की हत्या की। इसलिए जनता को इन सारी चीज़ों को हम सब लोग स्मरण करा रहे हैं और कांग्रेस के जो काले चेहरे हैं 1975 में लगे हम सिख दंगे की बात नहीं कर रहे, सिख दंगे में दूसरा उनका चेहरा उजागर हुआ था तो 1975। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि 1975 में कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू करके प्रत्येक भारतीय के लिए संवैधानिक अधिकार छीन लिए थे। जमशेदपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इमरजेंसी के काले दिनों को याद किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं अन्य सामाजिक सांस्कृतिक संगठन परवीन महामंत्री ने प्रेस को झुकने के लिए मजबूर किया और इस तरह जो आजादी के बाद संविधान ने भारत की जनता को जो संवैधानिक अधिकार दिया जो मौलिक अधिकार दिया था उस अधिकार को खत्म करने का काम श्रीमती। इस अवसर पर सांसद विद्युत वर्ण महतो ने भी आपातकाल को देश के इतिहास के लिए काला अध्याय बताया। जिन्होंने आह्वान किया सिंहासन खाली करो जनता आती है और उन्हीं का आह्वान पर आज देखिए कि उन्होंने इमरजेंसी जब हटा और देश में जो इलेक्शन हुआ तो भारी मत में जो है जनता पार्टी का सरकार बना और उनको उखाड़ के फेंक दिया तो कांग्रेस जो परिवारवाद है इस परिवार ने। खूंटी जिले में कल आयोजित होने वाले मेगा स्वास्थ्य कैंप की तैयारी पूरी कर ली गई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस शिविर में 60,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी। शिविर की सफलता को लेकर श्री मुंडा ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
इस बीच जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों से इस मेगा हेल्थ कैंप का लाभ उठाने की अपील की है। खुशहाली और प्रगति को अपने जीवन में ढूंढते हैं और मिलता है, इसलिए स्वस्थ होना हमारा नैसर्गिक अधिकार है। इस दृष्टि से खूंटी में एक आयोजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कि हम खूंटी के आम जनों को उनके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी दें, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें और उन्हें स्वास्थ्य रखने के लिए पर्याप्त जांच करें। और इसी कड़ी में हम 26 जून को यह आयोजित कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आप सभी आकर इस मेगा स्वास्थ्य शिविर में भाग लें। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन कई तरह के अड़चनों, झंझावटों, समस्याओं से जुड़ा हुआ, संघर्ष करता हुआ बीतता है। इसमें स्वास्थ्य की बहुत प्रमुख भूमिका है। ऐसी परिस्थितियों में जब स्वास्थ्य ठीक होता है, तभी हम आगे के रास्ते को बेहतर बना सकते हैं। और जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से वैसे सभी ऐसे वंशानुगत समस्याओं से लेकर विभिन्न रोगों के बेहतर उपचार कैसे हो, इसके बारे में सुनिश्चित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में आयुष्मान भारत की योजना को प्रारंभ किया है। इसके पीछे का हेतु यही है कि प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो। जब स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होंगे, समाज स्वस्थ होगा, तो राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो हमें स्वस्थ रहने की जो एक बड़ी योजना प्रारंभ की गई है आयुष्मान भारत के माध्यम से, यह योजना मानवीय मूल्यों के आधार पर है कि हम सब मिलकर अपने स्वास्थ्य की चिंता और समाज की स्वास्थ्य की चिंता करें। तो वहाँ उस कैंप में, मेगा आरोग्य शिविर में आयुष्मान भारत कार्ड भी बनाया जाएगा और देश के नामी ग्रामी चिकित्सक स्पेशलिस्ट इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। अभी तक 186 से अधिक स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे सामाजिक जीवन में विशेष तरीके से सरोकार रखने वाले चिकित्सक भी, स्वयंसेवी संस्था भी और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी उसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं, अपनी सहभागिता योगदान दे रहे हैं। यह कार्यक्रम भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और झारखंड सरकार और जिला प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित होने जा रहा है। आइए हम सब मिलकर के इस योजना में अपने आप को सम्मिलित करें। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के मसले पर आज राज्य में सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की रांची में बैठक हुई। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा पार्टी के सांसदों और विधायकों ने भाग लिया। गौरतलब है कि एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड समेत देशभर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 15,940 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 12,425 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 91,779 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 30 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 4 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 177 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.73% है।
देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 196,92,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 13,00,000 से अधिक टीके लगाए चुके हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। मांडर विधानसभा उपचुनाव में डाले गए वोटों की गिनती कल की जाएगी। राजधानी रांची के पंडरा स्थित कृषि बाजार प्रांगण में होने वाली मतगणना को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की, भाजपा की गंगोत्री कुजूर समेत 14 प्रत्याशी ने किस्मत आजमाया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक ने आज आकांक्षी जिला बोकारो का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। सुश्री भौमिक ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। तो मैंने बोला जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो अर्थनीति है हमारी, वो सबसे ज्यादा 2 सालों में जो कोविड में हम लोग घिरे थे, हमारी एग्रीकल्चर भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छा रखा। क्योंकि जब गांव में रहे हम लोग बैठे रहते नहीं है, सबसे अच्छा काम किसानों ने किया है, इसलिए आज हमारी किसान के कारण भारत अच्छी स्थिति में है। 26 महीने का 5 किलो करके अनाज कोई मजाक की बात नहीं है, पूरा दुनिया सोचता है 80 करोड़ लोगों को कैसे अनाज देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले अमेरिका का राष्ट्रपति को पूछा, जो WHO का जो एक बार्डन है वो। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुधीर महतो की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साहिबगंज जिले के महादेवगंज में 50,000 लीटर क्षमता वाला मेधा डेयरी मिल्क प्लांट बनकर तैयार हो गया है। इससे जिले के 2,000 किसान जुड़े हुए हैं। यहां से निकलने वाले दूध को संग्रहित करने के लिए जिले के बरहेट और पतना में 2 केंद्रों की स्थापना भी की गई है। इन दूध संग्रहण केंद्रों का उद्घाटन 29 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल भी मौजूद रहेंगे। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि झारखंड के पास आर्थिक रूप से सशक्त होने की क्षमता है। आज रांची में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली से संबद्ध कमेटी फॉर फाइनेंशियल मार्केट एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री बैस ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदाओं की भरमार है और इसके जरिए यह राज्य उन्नति की राह तैयार कर सकता है। विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में आप सभी के बीच आकर अपार खुशी हो रही है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी है कि यह इंस्टीट्यूट लेखा एवं शिक्षण के क्षेत्र में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संस्था है और इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। शिक्षा लेखा अनुरक्षण और
नीतिगत मामलों में इनका अहम योगदान है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी मेहनत और विद्वता के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं तथा समाज एवं देश के विकास में रचनात्मक योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। इसका दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। यह दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी राज्य समेत आसपास के इलाकों में आज और कल भारी बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही राज्य के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य हिस्से में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इस कारण 27 जून तक राज्य के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि आधा दर्जन जिलों में अभी औसत से कम वर्षा हुई है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बकुरिया मुठभेड़ मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम एक बार फिर पलामू पहुंची है। टीम ने सतपरवा के बकुरिया के भलवही घाटी में घटना स्थल का जायजा लिया। सीबीआई की टीम इस मामले में कई लोगों से भी पूछताछ करने वाली है। कोडरमा जिले के तिलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कमरे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। गांजे को लोहे की दो पेटियों में अलग अलग बंडलों में बांधकर रखा गया था। पुलिस की छापेमारी के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए। झारखंड में कोरोना महामारी के नियंत्रण में सराहनीय कार्य के लिए राज्य निगरानी इकाई को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में राज्य निगरानी इकाई के सर्विलांस ऑफिसर डॉ राकेश दयाल को सम्मान से नवाजा। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना में रांची स्टेशन को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह स्थान पांचवें चरण 8 से 22 जून तक रांची स्टेशन में लगाए गए स्टॉल को लेकर दिया गया है। इस योजना के तहत पहले भी दूसरे चरण में पहला, तीसरे चरण में दूसरा और चौथे चरण में दूसरा स्थान रांची को प्राप्त हो चुका है। पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सुलह समझौतों के आधार पर 106 मामलों का निष्पादन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत के लिए 10 पीठों का गठन किया गया था। रांची के डीसी छवि रंजन और पश्चिमी सिंहभूम के डीसी अनन्या मित्तल के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है। इस व्हाट्सएप आईडी से जिले के कुछ प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क कर उनसे अमेजन गिफ्ट के मार्फत डिमांड रखी गई है। दोनों जिलों के उपायुक्तों ने लोगों को इस फर्जी अकाउंट से सतर्क रहने की अपील की है। केंद्र सरकार की युवा जनजातीय आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र पलामू और सीआरपीएफ 134वीं बटालियन के संयुक्त प्रयास से जिले के कुल 33 जनजाति युवाओं को देहरादून भेजा गया है। कार्यक्रम के दौरान ये युवा प्रतिभागी दूसरे राज्यों की कला संस्कृति से परिचित होंगे। भाजपा नेता सुरेंद्र राय हत्याकांड में कुख्यात अपराधी संदीप थापा समेत 3 को आजीवन कारावास की सजा मिली है। साथ ही उन पर 20,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 1 साल की सजा मिलेगी।
हत्याकांड मामले में दोषियों को अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की कोर्ट ने सजा सुनाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के आज 7 वर्ष पूरे हो गए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने योजना के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने की। कार्यक्रम में खुशी का आशियाना लघु फिल्म प्रतियोगिता के विजेता भी घोषित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण विभिन्न चरणों में हुआ है। लाभार्थियों को 61 लाख से अधिक घर वितरित किए गए हैं। जोशी ने की और इसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रधान सचिव, राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के एमडी और केंद्र और राज्य सरकारों के हितधारकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण के अनुरूप ₹8.31 लाख करोड़। देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन 2 वर्ष बाद हो रहा है। जाहिर है इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा बढ़ेगी और इसमें सबसे ज्यादा क्रेज शीघ्र दर्शनम का होगा। एसडीओ अभिजीत सिन्हा का कहना है कि देवघर बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके लिए मंदिर के प्रशासनिक भवन में 8 एंट्री पॉइंट बनाए जा रहे हैं। दिनों से सिख दर्शनम ऊपर लेने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही थी, इसके मद्देनजर रखते हुए सिख दर्शनम निकास के लिए 8 काउंटर लगाए गए हैं, जिसका ट्रायल सोमवार को किया जाएगा और उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में आपातकाल लागू करने के 47 साल पूरे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इतिहास के लिए बताया काला अध्याय। केंद्र सरकार के सहयोग से खूंटी जिले में कल मेगा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी होंगे शामिल। विशेषज्ञ चिकित्सकों का लगेगा जमावड़ा। केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिक ने की आकांक्षी जिला बोकारो में संचालित योजनाओं की समीक्षा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और राज्यपाल रमेश बैस ने रांची में चार्टर्ड अकाउंटेंट के 2 दिवसीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, झारखंड के पास आर्थिक रूप से सशक्त होने की क्षमता।